हेलो फ्रेंड्स, रेज टू हेल्प में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर पे इन्वर्टर के कनेक्शंस दे सकते हैं और कैसे आप इन्वर्टर के बैटरी के साथ में कनेक्शंस दे सकते हैं और इनका मेंटेनेंस। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इन्वर्टर कौन सा लेना है। मेनली जो बाज़ार में इन्वर्टर्स आते हैं ये दो टाइप के रहते हैं। ये एक तो साइन वेव इन्वर्टर्स रहते हैं और एक स्केयर वेव इन्वर्टर्स रहते हैं। साइन वेव इन्वर्टर स्केयर वेव से थोड़े से महंगे होते हैं, तो उसके चक्कर में जिनको पता नहीं होता है वो स्केयर वेव इन्वर्टर ले लेते हैं। तो जो हमारे घर पे जो नॉर्मली सप्लाई रहती है वो साइन वेव में ही रहती है, तो इसलिए हमारे जो भी घर पे अप्लायंसेस चलते हैं वो सारे साइन वेव पे चलते हैं। अगर आप स्केयर वेव इन्वर्टर लेते हैं तो उससे आपके अप्लायंसेस जल्दी ख़राब हो सकते हैं और पंखा भी अलग से ही आवाज़ देता है। तो चलिए मैं आपको इसके बैक के कनेक्शन दिखा देता हूँ। ये इसका आउटपुट सॉकेट है, ये देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है एसी आउटपुट। तो इससे हमें इसका आउटपुट लेके स्विच बोर्ड में देना है। ये इसका इनपुट है, ये वाला केबल, इससे हमें इसको किसी भी स्विच बोर्ड से लेके इसको इनपुट देना है। ये साथ में ये जो दो केबल हैं रेड और ब्लैक, ये बैटरी के टर्मिनल्स के लिए हैं। एक पॉजिटिव है, रेड वाला पॉजिटिव है और ब्लैक वाला नेगेटिव। इस पर हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। और ये इसका रीसेट स्विच है, अगर कभी ये स्टक कर जाता है तो इससे हम यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। इसके पीछे में रीसेट स्विच है। टर्मिनल्स के लिए जा रहे हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें ब्लैक केबल अटैच करनी है। और ये जो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें रेड केबल कनेक्ट करनी है। अब इसके बैक साइड में ये जो सॉकेट है, यहाँ से हम इसका आउटपुट निकालेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, हम आउटपुट यहाँ से सिर्फ सिंगल वायर आउटपुट लेते हैं, तो हम इसका जिसमें से लाइव निकल रहा होगा वो वाला वायर हम आउटपुट लेंगे और इसको हम स्विच बोर्ड में या फिर आप डायरेक्ट सीवी में दे सकते हैं। यहाँ पे हमें इसका आउटपुट यूज़ करना है। और इसका हम जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल पार्ट हम इसका नॉर्मल वाली सप्लाई में ही यूज़ करेंगे, मतलब हम इसका सिर्फ एक ही केबल यूज़ करेंगे। अब हम इसकी इनपुट केबल देखिए, जैसे इनपुट इसकी लगी हुई है और इसका स्विच भी ऑन है, तो आगे भी आप देखिए इंडिकेशन, और नीचे में बैटरी भी इसकी कनेक्टेड है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एक बार सप्लाई ऑफ करते हैं। अगर हम यहाँ से स्विच बंद करते हैं मतलब इन्वर्टर की इनपुट बंद होगी, हमारी बिजली बंद होगी। अब देखिए इस पर इंडिकेशन क्या आ रहा है, यूपीएस ऑन का इंडिकेशन आ रहा है, मेंस चली गई है और चार्जिंग ऑन भी चला गया है, तो मतलब बैटरी लो भी नहीं है, हमारी बैटरी चार्ज्ड है। और अभी हमारे जो आउटपुट है वो यूपीएस के आउटपुट से लाइट और पंखा चल रहे हैं। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है, ये जो प्लग है यहाँ से सिर्फ एक ही वायर निकला हुआ है और ये वायर हमारा इसमें लाइव सप्लाई जा रही है। अब जैसे मैं ऑन करता हूँ, यूपीएस की इनपुट मैंने ऑन की, इन्वर्टर की इनपुट ऑन करने के बाद में पीछे में आउटपुट बंद हो जाएगा और ये जो बैटरी टर्मिनल्स है वहाँ से आउटपुट जाएगा चार्जिंग के लिए। ये देखिए, ये अभी मेन्स ऑन हो गया और यूपीएस ऑन जो था वो अभी लाइट चली गई और चार्जिंग भी ऑन दिखाने लग गया। तो मतलब हमारा जो ये इन्वर्टर है ये बैटरीज को चार्ज कर रहा है, मेन्स ऑन है और बैटरी टर्मिनल पे आउटपुट आ रहा है चार्जिंग आउटपुट, और जो मेन सॉकेट था, आउटपुट सॉकेट था, वहाँ पे अभी सप्लाई नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी में पानी डालने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो मैंने ये बोतल को कट करके एक फ़नल बना लिया है। मेरे पास फ़नल नहीं थी तो मैंने बोतल कट करके बना लिया है। तो अभी आपको इसके जितने भी ढक्कन हैं बैटरी के, इन सबको एंटी क्लॉक वाइज घुमा के इनको ओपन कर लेना है। और आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आप फनल से इसमें डिस्टिल वाटर डालेंगे तो आपको जो पानी है वो पूरा फुल करके नहीं डालना है, आपको ऊपर में 1 सेंटीमीटर से आधे सेंटीमीटर तक का गैप रखना है। उसका पर्पज़ ये है कि जब हम इसको चार्जिंग के लिए बैटरी को लगाते हैं तो उसमें जो बबल्स निकलते हैं पानी के वो थोड़ा ऊपर तक आते हैं, तो उसको अगर आप फुल रखेंगे तो वो नीचे गिरेगा। तो इसलिए आपको थोड़ी देर के लिए, 4-5 घंटे के लिए इसके ढक्कन भी बंद नहीं करने हैं पानी डालने के बाद में, क्योंकि उसमें बबल्स आएंगे और अगर आप बंद रखेंगे ढक्कन को तो उसमें गैस बनेगी जिससे आपकी बैटरी की लाइफ कम हो सकती है। तो इसलिए आप ढक्कन को कुछ देर बंद नहीं करें और इसको ओपन रखें 4 से 5 घंटे तक। जब बैटरी चार्ज हो जाएगी फिर आप ढक्कन बंद कर लें। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।